जी बिल्कुल, इस वक्त आप ये जो देख रहे होंगे कि ये जो है पीछे काफी लोग हैं खड़े हुए हैं जो हुकूमत के खिलाफ जो है नारेबाजी भी कर रहे हैं, और ये जो है 3 अपराध जाम हद हो चुके हैं और 22 अपराध इसमें जो है वो जख्मी हुए हैं। पुलिस और रेंजर के जो है काफी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी तक के जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है लोग इकट्ठे हुए हैं। ट्रैफिक को एक रोड जो है ट्रैफिक का वो बंद कर दिया गया है और साथ साथ में यहाँ इस वक्त शदीद खौफ व हरास भी पाया जा रहा है। जी हमें जनवर ये बताइएगा कि डीआईजी ईस्ट का ये कहना है कि ये गैस सीएनजी सिलेंडर फटने की वजह से ये धमाका हुआ है, क्या ये वाकई ही सीएनजी सिलेंडर जो मौजूद था बस में उसके फटने से धमाका था, कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई तो नहीं थी? हमीद अनवर, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो ये बताइएगा, डीआईजी इसका ये कहना है कि सीएनजी सिलेंडर फटने से धमाका हुआ, क्या वाकई ये सीएनजी सिलेंडर फटने से हुआ या कुछ दहशतगर्दी कार्रवाई तो नहीं थी? देखिए अभी तक जो डीआईजी ईस्ट है उन्होंने जो है कहा है कि ये वाकया पेश आया इसकी वजह से, दूसरे गैस सिलेंडर की वजह से। अच्छा ये बताइएगा हमीद अनवर, जिन लोगों को जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है उनकी हालत कैसी है, क्या जख्म उनके बहुत ज्यादा हैं या वो सरवाइव कर सकेंगे? जी देखिए उनको जो है तिब्बी इमदाद के लिए अभी उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है और इस वक्त यहाँ पर शदीद अफरा तफरी का आलम है और जो है वो काफी जो है मुश्किल अफराद यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जो है ये मुश्किल अफराद जो है कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ियों को जो है आग लगाई जाए। अच्छा आपने कहा कि वहां पर जो है लोगों ने नारेबाजी भी शुरू